नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर कमला आर नागर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई सेशन फॉर BAMS थर्ड ईयर अकतंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, अकतंत्र इज आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें कि हम विभिन्न विषयों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, विष के लक्षण, विषाक्रांत के लक्षण और उनकी चिकित्सा कैसे की जाती है, उनके बारे में विस्तार से वर्णन इस अकतंत्र में किया जाता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे जमाल घोटा या क्रोटोन पॉइजनिंग के बारे में। जमाल घोटा या क्रोटोन एक इरिटेबल वेजिटेबल पॉइजन है, या हिंदी में जिसे स्थावर वानस्पतिक विष कहते हैं। इसका लिटी नाम है क्रोटोन टिजिलियम, हिंदी नाम इज जयपाल, संस्कृत नेम इज जयपाल दंती बीज दंती, हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं जमाल घोटा, इंग्लिश में इसे पर्जिंग कॉटन कहते हैं। ये यूफोरबियेसी फैमिली का प्लांट है। पर्जिंग कॉटन से मतलब क्योंकि इसकी जो पॉइजनिंग होती है उसमें मूल रूप से अतिसार, डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विषाक्रांत की मृत्यु होने की संभावना भी हो जाती है, इसीलिए इसे पर्जिंग कॉटन कहते हैं। इसका जो स्वरूप होता है उसका उल्लेख मैं संक्षिप्त में इस प्रकार आपको बताऊंगी। इसके सदाहरित छोटे वृक्ष 15 से 20 फीट ऊंचे होते हैं, पत्र 2 से 4 इंच लंबे, चिकने, दीर्घवृत्त, लंबाग्र, आरावत, दंतुराधार, 3 से 5 सिराओं से युक्त होते हैं। जो तो पुष्प मंजरी होती है वो 2 से 3 इंच लंबी, जिसमें एक लिंबी हरे पिताप पुष्प होते हैं, फल लगभग 1 इंच लंबा, श्वेत आयताकार त्रिखंडीय होता है, बीज आयताकार भूरे रंग के आधे से 1.5 इंच तक लंबे, आयताकार त्रिकोणीय अरंड बीज के सदृश होते हैं, बीज मज्जा रक्ताप भूरे रंग की तेल में होती है, ग्रीष्म ऋतु में पुष्प आते हैं और शीतकाल में इसमें फल लगते हैं। जो टॉक्सिक पार्ट है वो है इसके बीज, जिसका कि कलर ब्लैकिश ब्राउन होता है, साइज में ये छोटे होते हैं, टेस्ट में ये बिटर होते हैं, इसका शेप ओवल होता है, अपीयरेंस जैसे कि कैस्टर सीड होता है, स्मेल अनप्लीजेंट, बहुत अच्छी स्मेल नहीं होती है, बड़ी गंदी सी सड़ी हुई सी स्मेल इसमें से आती है। जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है सीड में है जो मेजर है क्रोटोन, जिसको टॉक्सो एल्बुमिन भी कहते हैं। जो माइनर टॉक्सिक पार्ट है वो तो है इसका क्रोटोनोसाइड, जो कि एक ग्लाइकोसाइड है। ऑयल क्रोटोन में ओलिक एसिड होता है, क्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनॉल। आयुर्वेदिक इसकी रसपंचक के बारे में बात करें तो जो इसका इसका जो रस होता है वो होता है कटु, गुण, गुरु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है। तो मोड ऑफ एक्शन है आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि उष्ण वीर्य, कटु विपाक तथा कटु रस के आधिक्य से पित्त की विकृति हो जाती है, जिससे अन्नवह स्रोत या GIT में या स्पर्श स्थान पर शोक एवं पाक की उत्पत्ति होती है, अतिसार तीव्र विरेचक प्रभाव के वजह से होता है। मॉडर्न के अनुसार इट कॉजेस इरिटेशन एंड इंफ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT एंड स्किन विथ वेसिकेशन। इसकी जो प्रयोज्य मात्रा है बीज 25 से 50 mg और तेल आधे से एक बूंद तक सफिशियंट होता है। जो इसकी फैटल डोज है या इसकी जो पॉइजनिंग करने वाली जो घातक मात्रा है, सीड्स अगर 4 से ज़्यादा बीज लिए जाएं तो वो पॉइजनिंग करते हैं। इसी तरह ऑयल अगर 20 ड्रॉप से या 20 ड्रॉप से ज़्यादा ले लिए जाएं तो वो डेफिनेटली पॉइजनिंग करेंगे, तीव्र अतिसार की उत्पत्ति कर देंगे विषाक्रांत में। जो फैटल पीरियड है, कितने समय बाद विष के प्रभाव लक्षित होते हैं उसे फैटल पीरियड कहा जाता है। 4 से 5 घंटे लेने के बाद या फिर 3 दिन तक इसके प्रभाव 3 दिन में दिखाई देने लग सकते हैं। जमाल घोटा के सेवन से विषाक्तता के लक्षण क्या क्या हैं उस बारे में हम बात करेंगे। जमाल घोटा का बीज तेल या उसका कोई भी आयुर्वेदिक योग मात्रा से अधिक सेवन करने में विषाक्तता के बहुत सारे लक्षण इसमें मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। जो ओरल लक्षण है वो है बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रॉट,
chest and epigastric region या upper GIT. Excessive salivation, अत्यधिक मात्रा में मुंह से लार का स्राव होना, nausea and vomiting, उल्टी जैसा मन करना, शरीर मन कच्चा हो जाना, pain and cramps in abdomen, पूरे पेट में क्रैम्स मरोड़े चल के दस्त शुरू होने की संभावना हो जाती है. सीवियर वाटरी परवेशन, पानी के जैसे दस्त निकलने लग जाते हैं. समटाइम्स विद ब्लड स्टेन्स एंड म्यूकस. एक्सेसिव थर्स्ट, ओलिगोयूरिया एंड यूरिया, यूरिन आना बंद हो जाता है. अत्यधिक मात्रा में प्यास की अनुभूति होने लग जाती है. स्किन जो इसकी लोकल इन्फेक्शन किस तरह से स्किन को अफेक्ट करता है वो इस प्रकार है. इरप्शन विद ईचिंग एंड इनफ्लेम्ड वेसिकल, बड़े बड़े ददोरे से ब्लिस्टर बन जाते हैं जिनमें पानी रिसता रहता है और बहुत दर्द भरा उसमें स्त्राव होने लगता है. साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एज पर सीवियरिटी विल फॉर्म, जो टंग है जीभ ड्राइज, स्किन टर्जर लॉस, आईज श्रंकन, कॉन्टेनली बच्चों में डिप्रेस हो जाती है, आंखें अंदर धसने जैसी होने लग जाती है, जीभ पूर्णतः सूख जाती है, क्योंकि पित्त की विकृति है तो पित्त से संबंधित सारे लक्षण, जितने भी अति पित्त के पित्त दोष के लक्षण होते हैं कुपित होने के, वे लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं. पल्स फीबल एंड टैकीकार्डिया, धीमी हो जाती है, श्वास की गति भी धीमी पड़ने लगती है. बीपी हाइपोटेंशन, रक्तचाप अल्प होने लगता है. रेस्पिरेशन साई, डेथ ड्यू टू हाइपोवॉल्मिक शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर. अब ये जो इसके लक्षण है इसके अकॉर्डिंग ही चिकित्सा की जाती है. जमाल घोटा विषाक्तता की जो चिकित्सा क्रम बताया गया आयुर्वेद में वो रुग्ण की स्थिति और पर्याप्त संसाधन जो जितने उपस्थित हैं उसके हिसाब से बताया गया है. सबसे पहले जो रुग्ण है उसको रिसोसाइटेशन या संजीवनी चिकित्सा करेंगे. अगर वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में है तो उसको इंजेक्शन डोपामाइन दिया जाएगा. दूसरा है अनावशोषित विष का निरोधन करना या रिमूवल ऑफ अनऑब्जर्व पॉइजन. अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और वाइबल है, स्टेबल है, तो उस समय हम उसमें वमन कराने की प्रयास करेंगे. जो वमन है वो यष्टि मधु के फांट या लवण जल आकंठ पिलाकर वमन किया जाता है. यूपी फोर्सफुली मैसेज कराया जाता है विषाक्रांत को, ताकि जो अनऑब्जर्व्ड है, जो अनावशोषित विष है, उसका निष्कासन उससे शरीर से हो सके. तो तीसरे, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, डिसओरिएंटेड है और अनस्टेबल है, तो उस अवस्था में हम गैस्ट्रिक लवाज या आमाशय प्रक्षालन कराया जाता है. अगर भी शोषित हो गया है तो उसका निराहरण कैसे करेंगे? जमाल घोटा विषाक्तता में विष संचित नहीं होता है, क्योंकि यह परवेटिव टाइप का इरिटेबल पॉइजन है, तो इसमें तुरंत अतिसार के द्वारा विष स्वयं शरीर से बाहर निकलने लग जाता है. लेकिन चिकित्सा के तौर पे इसमें एंटीडॉट या प्रतिविष का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है. यांत्रिक जो एंटीडॉट है वो है गोघृत या गोदू. स्पेसिफिक जो आयुर्वेद में बताया गया है वो धान्य सितायुक्त जल में पीस कर उसका पान कराया जाता है. जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होते हैं जमाल घोटा के, लक्षणों के अनुसार जो चिकित्सा होगी उसमें दाहा के लिए, क्योंकि ये पित्त प्रकृति का विष है, पूरे शरीर में दाहा ब्लिस्टर इस तरह से होने लग जाते हैं. अति कुपित जो पित्त है उसके लक्षण इसमें दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, तो उस स्थिति में हम धान्यक हिम का प्रयोग करेंगे ताकि दाह का शमन हो, या षडंग पानी पिलाएंगे ताकि उसके शरीर में जो पित्त की विकृति हो उसका निराकरण हो सके. अगर उदर शूल है तो पॉलीकार्बोन सिरप पिलाएंगे उसको, उससे उदर में शूल चूंकि मरोड़े चलती हैं, जो ये विष है सीधा गैस्ट्रिक अपर जीआईटी पे काम करता है, उसको अफेक्ट करता है, तो विष निराकरण के लिए हमें पॉलीकार्बोन सिरप देना पड़ता है. अगर डिहाइड्रेशन हो गया है उसको रुगड़ा जो विषाक्रांत है, क्योंकि पित्त के अति तृष्णा की वजह से और अतिसार और उसकी वजह से उसके शरीर का जलीय अंश बाहर निकल गया है, तो डिहाइड्रेशन होने की पूरी संभावना है.
तो इस स्थिति में हम उसको षडंग पानी पिलाते हैं, शीत श्रप्त जल, नींबू पानी, जल जीरा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जैसे कि ORS, IV फ्लूइड, फिंगर लैक्टेट अगर सुविधा है तो हम इस स्थिति में उसको इससे जरूर अवगत कराते हैं। तो यह एक जनरल चिकित्सा है आयुर्वेदिक, जो दमाल घोटा या प्रोटोन के पॉइजनिंग में की जाती है। आमतौर पर बच्चे या क्यूरोसिटी की वश इसको खा लेते हैं, और जिससे ज्यादा अतिसार होने से उनकी मृत्यु होने की भी संभावना होती है। वैसे तो जमाल घोटा आयुर्वेद में औषधीय प्रयोग में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी द्रव्य की, किसी भी हर्ब की आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने से वह विषाक्तता अपनी दर्शाता है। इसीलिए कोई भी हर्ब या कोई भी औषधि हो, उसका एक निश्चित मात्रा जो उसके लिए प्रेस्क्राइब की गई है, उसी मात्रा में उसका सेवन करना फलप्रद होता है। तभी वो आपके शरीर में औषधीय कर्म पूर्णतया करती है, अन्यथा वो विषाक्तता उत्पन्न कर देती है, जैसा कि प्रोटोन या जमाल घोटा की पॉइजनिंग में हम देख रहे हैं। आशा है कि इस सेशन से आपको स्थावर वानस्पतिक विष है जमाल घोटा, उसके बारे में अवश्य जानकारी मिली होगी। मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन आपके लिए लाभप्रद हो। अगली कड़ी में हम अन्य अन्य स्थावर वानस्पतिक विषयों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।